What's up guys? आप देख रहे हैं All About Nutrition. मेरा नाम है अर्पित मंगल और आज के वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं बहुत ही पॉपुलर ब्रांड का सप्लीमेंट. जी हां गाइस, आज के वीडियो में रिव्यू करूंगा टाइमेटाइज एलीट 100% वे को. तो गाइस चलिए बहुत ही जल्दी बात कर लेता हूं इन अ नटशेल टाइमेटाइज कंपनी के बारे में. तो डायमेटाइज जो है वो एक टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कंपनी है. ये फाउंड हुई थी 1994 में, तो बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है. आई एम श्योर आप सब लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा. डायमेटाइज का अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेक करेंगे इनके वेबसाइट पर जाके, तो ये सारी तरीके के प्रोटीन पाउडर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, क्रिएटिन अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स ऑफर करते हैं, ये है ये फैट लॉस सप्लीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, मल्टी विटामिन सप्लीमेंट बनाते हैं, पोस्ट वर्कआउट रिकवरी सप्लीमेंट भी ऑफर करते हैं. तो सारी तरीके के जो है इनके हेल्थ सप्लीमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी. सारी तरीके के हेल्थ सप्लीमेंट आपको इस ब्रांड के मिल जाएंगे. एक बहुत ही अच्छी बात डायमेटाइज कंपनी के सारे प्रोटीन पाउडर्स में आपको देखने को मिलेगी कि जब भी आप डायमेटाइज ब्रांड का कोई भी प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट खरीदेंगे तो उनमें आपको informchoice.org का सर्टिफिकेशन लोगो मिलेगा. अभी informchoice.org एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटीन पाउडर्स को टेस्ट करती है और सर्टिफाई करती है कि इसमें किसी भी तरीके के बैंड सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस या अनसेफ सब्सटेंस कंपनी ने नहीं मिला रखे हैं. तो डायमेटाइज के आप कोई भी प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट खरीदेंगे तो आपको सारे बॉक्सेस में इस चीज की एश्योरिटी मिलेगी कि डायमेटाइज के प्रोटीन पाउडर्स किसी भी तरीके के बैंड सब्सटेंस या अनसेफ सब्सटेंस से फ्री है. डायमेटाइज एलीट 100% वे के कॉम्पिटिटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्रांड है, ये सप्लीमेंट है, ये कम्पीट करता है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे से. ये कम्पीट करता है मसल फार्म कॉम्बैट 100% वे से. माई प्रोटीन इम्पैक्ट वे से भी ये थोड़ा बहुत कम्पीट करता है बिकॉज ऑफ प्राइसिंग. ये कम्पीट करता है सेल्यूकोर परफॉर्मेंस वे से भी. तो बेसिकली ये सब इस प्रोडक्ट के मेन कॉम्पिटिटर्स हो गए. एक बहुत ही अच्छी चीज आप लोगों को डायमेटाइज एलीट 100% वे के बारे में और भी बता दूं कि डायमेटाइज एलीट 100% वे लैबडोर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने भी टेस्ट किया है और उनकी अगर आप जाके लैब रिपोर्ट देखेंगे तो उन्होंने अपने लैब रिपोर्ट में ये क्लेम किया है कि डायमेटाइज एलीट 100% वे में 3% प्रोटीन ज्यादा पाया गया है एज पर कंपनी क्लेम. मतलब डायमेटाइज अपने न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में मेंशन करती है 25 ग्राम्स प्रोटीन पर स्कूप, बट लैब डोर के रिपोर्ट में पाया गया है 25.8 ग्राम्स प्रोटीन पर स्कूप, जो कि एक अच्छी बात है. दूसरी बहुत ही अच्छी बात, लैबडोर ने अपने लैब रिपोर्ट में यह भी मेंशन की है कि डायमेटाइज के लेबल पे जो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट इन्होंने क्लेम किया है उसके कंपैरिजन में उनके रिपोर्ट में जो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट है वो 66% कम निकला है. मतलब लैब डोर के रिपोर्ट में 0.68 ग्राम्स पर सर्विंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स निकला है एज कंपेयर टू कंपनी ने जो अपने लेबल पर क्लेम कर रखा है 2 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव बात है. यहां पे अगर मैं इनके कॉम्पिटिटर्स की लैब रिपोर्ट कंपेयर करूं, लैब डोर की लैब रिपोर्ट इनके कॉम्पिटिटर्स की अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे में 12.8% प्रोटीन कम पाया गया है पर सर्विंग, सेल्यूकोर परफॉर्मेंस वे में 1.6% प्रोटीन कम पाया गया है पर सर्विंग, माई प्रोटीन इंपैक्ट वे में 3.9% प्रोटीन कम पाया गया है एज पर कंपनी क्लेम पर सर्विंग. तो अगर आप लेबल एक्यूरेसी की बात करें, अगर आप प्रोटीन परसेंटेज एक्यूरेसी की बात करें तो डायमेटाइज अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ही ऊपर है. ये एक अच्छी बात है. अगर आपको जानी है मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट तो मैं आपको वो वीडियो के अंत में दिखाऊंगा. तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में ताकि हम बाकी पैरामीटर्स पहले कवर कर लें और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में. तो गाइस ये तो हो गई कंपनी की इंफॉर्मेशन इन अ नटशेल. अब हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन की. तो गाइस आप लोगों को पहले तो एक चीज बता दूं कि मेरे पास जो फ्लेवर है वो है स्ट्रॉबेरी ब्लास्ट, और स्ट्रॉबेरी ब्लास्ट की जो सर्विंग साइज है वो 34 ग्राम्स है. अगर आप इसका चॉकलेट फ्लेवर खरीदते हैं तो उसमें 36 ग्राम्स की सर्विंग साइज आती है, 2 ग्राम सर्विंग साइज बढ़ जाती है, बट प्रोटीन कंटेंट सब में आपको सेम मिलेगा 25 ग्राम्स. तो जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं वो स्ट्रॉबेरी ब्लास्ट फ्लेवर का है और उसकी पर सर्विंग जो कि 34 ग्राम्स है उसमें आपको प्रोटीन एज पर कंपनी के क्लेम मिलेगा 25 ग्राम्स. मतलब 73.5% प्रोटीन यहां पे कंपनी क्लेम करती है अपने लेबल पे. कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेगा 2 ग्राम्स और टोटल फैट आपको मिलेगा 3 ग्राम्स.
तो कुछ इस तरह से दिखता है इनका न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन का लेबल। जल्दी से आप बात कर लेते हैं अगले पैरामीटर पे जो है इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इंग्रेडिएंट्स का फोटो आपको दिख रहा होगा। तो क्योंकि ये ब्लेंड प्रोटीन है, कंपनी ने इसमें तीन तरीके के प्रोटीन मिलाए हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। मतलब जो प्राइमरी सोर्स है इस सप्लीमेंट का वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। अच्छा, हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट क्या होता है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को उस पर भी दे देता हूं। देखिए गाइस, हाइड्रोलिसिस एक्चुअल में एक प्रोसेस है जिसमें जो कंपनी है वो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करती हैं ताकि जो प्रोटीन की अमीनो एसिड की चेन होती है वो थोड़ी छोटी हो जाए और बॉडी इससे जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट कर ले। मतलब हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन का जो डाइजेशन स्पीड है वो ज्यादा होता है। तो इन्होंने जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है उसमें हाइड्रोलिसिस प्रोसेस ऐड किया है और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इन्होंने ऐड किया है अपने प्रोटीन ब्लेंड में। बात करते हैं आगे इंग्रेडिएंट्स की, तो इन्होंने नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया है। सोय लेसेथिन का भी कंपनी ने यूज किया है। अभी बहुत लोगों को ये लगता है सोय लेसेथिन इज अ सोय प्रोटीन, बट गाइस ऐसा नहीं है। सोय लेसेथिन एक इमल्सीफायर है, एक मिक्सिंग एजेंट है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ आपके सप्लीमेंट के मिक्सेबिलिटी या मिक्सिंग को अच्छा करना होता है। सोय लेसेथिन मतलब सोय प्रोटीन नहीं होता है, आप इस चीज को भूल जाए। फिर उन्होंने सॉल्ट ऐड किया है, आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज किया जैसे कि सुक्रोलोज, ए सल्फेम, पोटेशियम, और फिर इन्होंने गम ब्लेंड डाला है जैसे कि जैंथन गम और सेल्यूलोज गम। ये गम बेसिकली एज अ स्टेबलाइजर काम करते हैं और एज अ थिकनर भी काम करते हैं। मतलब आपके शेक को एक थिक और क्रीमियर एक्सपीरियंस देने के लिए कंपनी इन गम ब्लेंड्स का यूज करती है। तो ये तो बात हो गई गाइस इंग्रेडिएंट्स की। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी और जरूरी बात ये भी आप लोग को बता दूं जो डायमेटाइज ने अपने बॉक्स पे मेंशन कर रखी है कि इन्होंने अपने प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए CFM जिसे हम बोलते हैं क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज किया है। मतलब प्रोटीन के फिल्ट्रेशन टेक्निक जो इन्होंने यूज की है वो है क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्टर। और ये जो टेक्निक है ये नेचुरल मेथड है, नेचुरल टेक्निक है प्रोटीन सप्लीमेंट को फिल्टर करने के लिए। अगर आप नेचुरल टेक्निक से किसी भी प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट को फिल्टर करते हैं तो उसके सारे तत्व जिन्हें हम सब फ्रैक्शंस कहते हैं वो बरकरार होते हैं, वो लॉस्ट नहीं होते। बहुत सारी कंपनी केमिकल वे से प्रोटीन को फिल्टर करती हैं जिसमें उसके जो तत्व होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, बट क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने CFM टेक्निक का यूज किया है तो CFM एक नेचुरल टेक्निक है। ये एक बहुत अच्छी बात है जो डायमेटाइज ने अपने लेबल पे लिख रखी है। अच्छा गाइस, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर पे जो कि है अमीनो एसिड प्रोफाइल। तो अगर आप डायमेटाइज का बॉक्स देखेंगे तो इन्होंने अमीनो एसिड प्रोफाइल की डिटेल्स पूरी अपने बॉक्स पे मेंशन नहीं कर रखी है, बट इन्होंने अपने बॉक्स पे लिखा हुआ है फुल अमीनो एसिड प्रोफाइल कैन बी फाउंड एट dimetize.com/eliteway। मतलब अगर इस लिंक पे आप जाएंगे तो इस प्रोडक्ट की आपको डिटेल अमीनो एसिड प्रोफाइल दिख जाएगी। तो मैं इस लिंक पे क्लिक किया था और मैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल को देखा, मैं अपने स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूं वो अमीनो एसिड प्रोफाइल, और इसी अमीनो एसिड प्रोफाइल का समअप मैंने निकाला। तो इन्होंने जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो MG में लिख रखी है और MG में इनका अमीनो एसिड प्रोफाइल का जो समअप आया है वो आया है 25,781 mg। अब इसको हम ग्राम्स में कन्वर्जन करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो अगर आप इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग को देखेंगे तो वो आपको मिलेगी 25.78 grams। मतलब कंपनी अपने लेबल पे 25 ग्राम्स प्रोटीन क्लेम करती है और जो इनका अमीनो एसिड प्रोफाइल का समअप है वो आता है 25.78 grams, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और पॉजिटिव साइड पे है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में भी। तो मैंने जो स्ट्रॉबेरी ब्लास्ट फ्लेवर है जो कि 5 LBS का है मेरे पास बॉक्स, वो मैंने हेल्थ एक्सपी से लिया था और मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी थी 4,600 rupees की। इसमें आती है 67 सर्विंग्स। अगर आप पर सर्विंग वाइज कॉस्ट निकालेंगे तो आपको 67 रुपीज की पर सर्विंग पड़ेगी जिसमें आपको 25 ग्राम्स प्रोटीन एज पर कंपनी के लिए मिलेगा। बात करूं इसके टेस्ट के बारे में तो गाइस डायमेटाइज का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है, इस चीज की ये एश्योरिटी देते हैं। और मैंने इनके चॉकलेट फ्लेवर्स भी कंज्यूम कर चुका हूं। स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत पसंद है तो मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेना प्रेफर करता हूं, तो मैं इसका स्ट्रॉबेरी भी कंज्यूम कर चुका हूं और इनके फ्लेवर्स बहुत अच्छे होते हैं। आप जैसे ही इनका बॉक्स खोलेंगे पहली बार तो जो फ्लेवर की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, बहुत ही अच्छा अरोमा आता है फ्लेवर का, तो बॉक्स खोलते ही आपको पता चल जाएगा कि जो इसका टेस्ट होगा वो बहुत ही लाजवाब होगा। तो टेस्ट के मामले में
पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि आप इनका कोई भी फ्लेवर्स खरीद लीजिए, टेस्ट आपको इसमें अच्छा ही मिलेगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करता हूँ इसके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि मेरे पास जो बॉक्स है वो पूरा खाली हो चुका है गाइस, उसमें एक भी सर्विंग नहीं बची है, क्योंकि ये प्रोटीन मैंने लिया था लॉकडाउन से पहले, इसकी लैब रिपोर्ट ही मैंने लॉकडाउन से पहले कराई थी। बट लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के स्टार्टिंग डेज में प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने इसको पूरा कंज्यूम कर दिया है। तो जो सर्विंग साइज है वो डाइमेटाइज की है, बट मैं प्रोटीन पाउडर किसी दूसरे ब्रांड का भर के आपको इसकी सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में बताता हूं। तो जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, कंपनी यहाँ पे 34 ग्राम का सर्विंग साइज हमें देती है और जो प्रोटीन पाउडर इसमें आता है वो भी 34 ग्राम्स का है। मतलब सर्विंग साइज एक्यूरेसी इस ब्रांड की परफेक्ट है। जो सर्विंग स्कूप आपको अंदर मिलता है वो परफेक्टली 34 ग्राम्स का ही है, इस चीज की अश्योरिटी मैं आपको देता हूँ। अच्छा गाइस मिक्सिबिलिटी की बात करूं तो मिक्सिबिलिटी में मैं आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूं कि इस प्रोडक्ट की एलीट 100% वे का आप कोई भी फ्लेवर ले लीजिए। मैंने अभी तक 2-3 फ्लेवर्स कंज्यूम किए हैं, सारे फ्लेवर्स की मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। 10 से 15 सेकंड लगेगा आपको एक स्मूथ शेक का एक्सपीरियंस करने के लिए। टाइनी लम्स, मेजर लम्स कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। बहुत ही अच्छी मिक्सिबिलिटी है, बहुत ही परफेक्ट मिक्सिबिलिटी है इस सप्लीमेंट की। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं अपने आखिरी पैरामीटर पे और बताता हूं आपको अपने लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो गाइस मैंने इस सप्लीमेंट का सैंपल दिया था एक NABL अक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब को, और जो रिजल्ट है मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट का वो आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो 90% प्रोटीन मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में पाया गया है ड्राई बेसिस पे। अगर आप एज इज बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो एक एवरेज 6% वाटर मॉइस्चर हम लोग माइनस कर देंगे, तो 90% माइनस 6% इज इक्वल टू 84% एज इज बेसिस पे आपको प्रोटीन मिलेगा एज पर मेरी कंपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। मैं रिपीट करता हूं, 90% ड्राई बेसिस और 84% एज इज बेसिस पे आपको प्रोटीन मिलेगा डायमेटाइज एलीट 100% वे में मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। पर सर्विंग आपको कैलकुलेशन बता देता हूं, पर सर्विंग मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको मिलेगा इसमें 30.6 ग्राम्स प्रोटीन और एज इज बेसिस पे आपको मिलेगा इसमें 28.5 ग्राम्स प्रोटीन एज कंपेयर टू कंपनी क्लेम जो कि है 25 ग्राम्स। अच्छा आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यार कंपनी तो 25 ग्राम्स प्रोटीन क्लेम करती है और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 28.5 ग्राम्स आया है एज इज बेसिस पे। तो गाइस मैं अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि लैब डोर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस प्रोटीन की टेस्टिंग कराई थी और उनके लैब रिपोर्ट के अनुसार भी डाइमेटाइज एलीट 100% वे में जो प्रोटीन कंटेंट है वो कंपनी क्लेम से ज्यादा पाया गया है और जो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट है वो 66% कम पाया गया है एज कंपेयर टू कंपनी क्लेम। तो माइट भी ये रीजन हो सकता है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज्यादा आया है लैब टेस्ट रिपोर्ट में। तो लेबल एक्यूरेसी जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी है और इस चीज की अश्योरिटी हमें इस प्रोटीन पाउडर से मिलती है। तो गाइस अब जैसे कि हमने कवर कर लिए हैं सारे पैरामीटर्स डायमेटाइज एलीट 100% वे प्रोटीन के, अब आपको बताता हूं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इस सप्लीमेंट के। अच्छा ये प्रोज और कॉन्स प्योरली मेरे ओपिनियन के बेसिस पे है, तो मैं आप लोगों को अपने ओपिनियन के बेसिस के हिसाब से पहले इसके पॉजिटिव बताता हूं। अच्छा तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका ब्रांड डायमेटाइज, एक बहुत ही अच्छी बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है, बहुत ही बड़ा ब्रांड है जिसके बारे में आप सब लोग सुन ही चुके हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसका है कि जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है मेरी वो बहुत ही अच्छी आई है, एक्सीलेंट आई है। प्रोटीन कंटेंट जितना कंपनी यहाँ क्लेम करती है उससे ज्यादा आया है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट इसका है कि कंपनी ने अमीनो एसिड प्रोफाइल डिटेल में मेंशन कर रखा है अपने वेबसाइट पे, जो कि मैं आप लोग को अपने रिव्यू में भी दिखा चुका हूं। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है कि टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। पांचवा पॉजिटिव पॉइंट है सर्विंग साइज इसकी एक्यूरेट है, मिक्सेबिलिटी भी इस प्रोडक्ट की अच्छी है। छठा पॉजिटिव पॉइंट इसका है कि ये जो टेक्निक यूज करते हैं प्रोटीन फिल्ट्रेशन के लिए वो क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन टेक्निक है, जो कि एक नेचुरल मेथड है प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए, जिससे सारे प्रोटीन के तत्व बरकरार रहते हैं, सब फ्रैक्शंस लॉस्ट नहीं होते हैं। तो ये हो गए कुछ मेन पॉजिटिव पॉइंट डायमेटाइज एलीट 100% वे के।
अब आपको बताता हूँ कुछ डिसएडवांटेज, कुछ नेगेटिव्स भी। तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप कॉम्पिटिटर से इस प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे, डायमेटाइज एलीट 100% वे को, तो इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो वे प्रोटीन आइसोलेट यूज करते हैं प्राइमरी सोर्स में, जैसे कि ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे जो है आइसोलेट यूज करता है प्राइमरी सोर्स में, सेल्यूकोर परफॉर्मेंस वे भी आइसोलेट यूज करता है प्राइमरी सोर्स में, मसल फार्म कॉम्बैट 100% वे भी वे प्रोटीन आइसोलेट यूज करता है एज अ प्राइमरी सोर्स, बट डायमेटाइज एलीट 100% वे का प्राइमरी सोर्स है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। तो ये इस प्रोडक्ट का डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज मैं कहूंगा थोड़ा बहुत ये है कि कंपनी ने प्रोटीन कंटेंट ड्राई बेसिस पे मेंशन कर रखा है या एज इज बेसिस पे मेंशन कर रखा है वो भी नहीं लिखा है। तो ये दोनों डिसएडवांटेज लगे मुझे इस प्रोडक्ट के। तो अगर गाइस मेरा रिव्यू, मेरा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपको हेल्प करता है इस प्रोडक्ट की परचेज डिसीजन लेने में, तो गाइस थम्स अप करिए इस रिव्यू को, तुरंत लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए मुझे, अपना प्यार दिखाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए, स्वस्थ रहिए गाइस, प्रिकॉशंस लेते रहिए। आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड टेक केयर।